आज हम आए हुए हैं डलमऊ होली खेलने के लिए। आज यहाँ पर होली है यार, तुम सब चूतिया समझाता था। हाँ यार, ला भैया जल्दी लाओ, सीट उठ गरम हुई है। पकड़ ले रहे सारे। अबे यहाँ पर यू मोटे यू लंबा पड़ा है बे। सांप मोड़ लो, मोड़ लो, हैंडल मोड़ लो। इस किले में खास बात ये है फ्रेंड कि यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखो और तुमको वो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। देखिए कितने नाम लिखे हुए हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग? आई होप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड आज हम आए हुए हैं डलमऊ होली खेलने के लिए। आज यहाँ पर होली है और आज है 29 तारीख। अपने यहाँ से यहाँ तीन दिन बाद, चार दिन बाद यहाँ पर होली होती है डलमऊ में। और हम लोग डलमऊ किला घूमने के लिए आए हैं, जो कि यहाँ पर नाव से घूम रहे हैं, देख सकते हैं काफी सुंदर नजारा है यहाँ पर। हम डीके और तूफान भाई घूम रहे हैं। अबे यहाँ पर यू मोटे यू लंबा पड़ा है बे। या सांप मोड़ लो, मोड़ लो, हैंडल मोड़ लो। काट रख, हैंडल काट भाई। तो हम लोग आज यहाँ डलमऊ किला में घूम रहे हैं नाव से। तो आपको यहाँ से ले चलेंगे, आपको डलमऊ का होली का नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर होली कैसे मनाते हैं, बहुत धूमधाम से यहाँ होली मनाते हैं। फ्रेंड आपको होली का भी नजारा दिखाएंगे। यहाँ पर कपड़ा फार होली होती है। कौन फार? कपड़ा फार। फ्रेंड यहाँ पर होली होती है और मैं आपको यहाँ पर होली आपको दिखाएंगे कैसे मनाया जाता है। यहाँ पर तीन या चार दिन बाद होली मनाया जाता है हर जगह से। तो यहाँ पर आपको मैं सुंदर नजारा दिखाता हूँ डलमऊ किले का, और होली का भी सुंदर नजारा दिखाता हूँ कि डलमऊ में होली कपड़ा फार कैसे मनाते हैं। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। सकते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड देख सकते हैं ये हम लोग नाव से घूम रहे हैं और इस तालाब का नज़ारा देखिए कि डलमऊ किला में भी नया नया बना हुआ है। हम लोग नाव, सभी लोग घूम रहे हैं। ये हमारी नाव है और ये हमारे तूफान भाई और डीके भाई जो कि पैडल मारकर नाव चला रहे हैं। हम आराम से बैठे हुए कर सैर कर रहे हैं नाव का। देख सकते हैं चारों तरफ कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ पर। तो आपको यहाँ का भी नज़ारा दिखाते हैं और चलते हैं होली का भी सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। आज डलमऊ में होली है, यहाँ पर चलेंगे सीधा होली खेलेंगे। कपड़ा फार आपको होली यहाँ पर होती है। तो आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको चलता हूँ और दिखाता हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग घूम रहे हैं तालाब में। ये डलमऊ का किला में है और यहाँ पर देखिए पानी से भी आप मस्ती कर सकते हैं, घूम सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है तीनों लोगों को। तो हम लोग अभी डलमऊ से होली खेल कर आए हुए हैं और यहाँ पर घूम रहे हैं होली खेल कर। अब यहाँ से फिर जाएंगे, आपको डलमऊ का भी सुंदर नज़ारा दिखाएंगे जहाँ पर होली खेलते हैं। बहुत कपड़ा फार होली होती है, बहुत शानदार होली होती है फ्रेंड यहाँ पर डलमऊ में। बहुत मशहूर होली होती है हर जगह से। यहाँ पर तीन दिन बाद यहाँ पर होली होती है फ्रेंड। तो चलता हूँ आपको वहाँ का भी नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ पर देख ही चुके हैं कितना सुंदर नज़ारा है। तो चलता हूँ आपको भी नज़ारा दिखाता हूँ होली का। आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड देख सकते हैं डलमऊ किला का सुंदर नज़ारा, चारों तरफ बहुत शानदार नज़ारा है। ये बगल में गंगा जी हैं, देख सकते हैं यहाँ खेती भी होती है। और ये किला है डलमऊ का, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है। इस किले में खास बात ये है फ्रेंड कि यहाँ पर अपने गर्लफ्रेंड का नाम लिखो और तुमको वो गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। देखिए कितने नाम लिखे हुए हैं। समा, नीरज, अनिल, अंश, सूरज, लव, आई लव यू। यहाँ आप अगर प्रधान भी लिख देंगे तो यहाँ प्रधान बन जाएंगे मौजा की। ये भी खासियत है इस किले की। तो काफी बहुत ही शानदार ये किला है, भूरी का किला। किसका किला? कब्रन किला का नजारा देखा, काफी सुंदर नजारा। तो आपको इधर भी एक सुंदर नजारा दिखा दे इधर का, देख सकते हैं इधर किला का भी सुंदर नजारा। इधर देखिए काफी गांव घर भी दिख रहे हैं, काफी ऊपर हम लोग चढ़े हुए हैं और देख सकते हैं चारों तरफ का कितना सुंदर नजारा है। गंगा जी दिख रहे हैं डलमऊ का, काफी मंदिरें भी दिख रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड काफी किला की बहुत खास बातें हैं इसकी। तो अब फ्रेंड आपको मैं ले चलूंगा यहाँ से, डलमऊ का होली खिलाएंगे
जहाँ पर होली खेलते हैं कपड़ा फार, वहाँ का भी सुंदर नज़ारा दिखाएंगे। तब तक मेरे वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, मैं चलता हूँ और आपको टलमू का होली का सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर डलमऊ में कितना शानदार होली होता है। यहाँ पर कपड़ा फार होली होता है। यहाँ पर किसी के शरीर पे आप कपड़ा नहीं देखेंगे, देख सकते हैं सबका कपड़ा ऊपर का फटा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही कपड़ा फार होली होता है, बहुत शानदार होली होता है। अपने यहाँ से यहाँ पर 3 दिन बाद होली मनाया जाता है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर 700 वर्ष पूर्व राजा डलदेव की हत्या के बाद यहाँ पर होली 3 से 5 दिन बाद मनाया जाता है फ्रेंड। यही कारण है कि यहाँ पर होली हर जगह से 3 से 5 दिन बाद मनाया जाता है फ्रेंड। यहाँ की होली का यही एक सबसे बड़ा खुफिया राज है। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।